जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th हिंदी माध्यम गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू हो रहा है और संख्या पद्धति में हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप परिमेय संख्याओं के बारे में समझ जाएं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th हिंदी माध्यम गणित पहला चैप्टर संख्या पद्धति और संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन 1.1 शुरू करने से पहले हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में आप समझ लें। मान लीजिए कि P कोई पूर्णांक है और Q भी कोई पूर्णांक है, तो वह संख्या, समझिए, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो P बटा Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें 1/2, 2/3, 5/7, 8/11, ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो अब परिमेय संख्या आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्नावली 1.1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें, तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे और पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो याद रखे रहिएगा, परिमेय संख्या वही होगी जिसे हम P बटा Q के पदों में लिख सकें। तो अगर हम शून्य को P बटा Q के पदों में लिख सकेंगे तो परिमेय संख्या होगी, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर पूछा जा रहा है कि क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटा Q के पदों में लिखा जा सके। तो ये देखिए शून्य है, अब शून्य को हम शून्य बटा में 5 लिख सकते हैं, 0/5, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य ही आता है। तो आप ध्यान से समझिए, पूछा गया है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये देखिए, जहां P 0 हो जाएगा और Q 5 हो जाएगा, परिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें P 0 हो जाएगा और Q 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा था कि क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। और फिर तो यही आपसे पूछा जा रहा था, पहला प्रश्न जो था वो यही था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। याद रखिए दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कहा है प्रश्न में कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा,
अब ये 3 और 4 के बीच निकालना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अब ये जो 7 है इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर देखिए क्या मिल रहा है। तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, 21/7, और यहाँ से 4 4 7 जा 28/7 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 6 संख्याएं लिख लीजिए, तो देखिए 21 के बाद होता है 22, तो 22/7 हो जाएगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो 23/7 हो जाएगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो 24/7 हो जाएगा, फिर इसके आगे बढ़ेंगे 25/7 हो जाएगा, फिर आगे बढ़िए 26/7 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ें एक अंक और आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 27/7। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 का मतलब 21/7, 4 का मतलब 28/7, और इनके बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं होंगी, 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये जो पहला प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप बताएंगे भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।